हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन बच्चों, हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर वन पर्यावरण इसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज हम इसके रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपकी बात आती है पर्यावरण में, पर्यावरण के घटक, कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण कितने घटक है? तीन घटक है बच्चों। आपके मिड ऑफ द चैप्टर्स क्वेश्चन बनेंगे, आपके जो यूटी स्टार्ट होंगे उसमें। ठीक है, तो आपको इसलिए चैप्टर अच्छे से रीड करने हैं। ओके, हिंदी में भी और एसएसटी में भी सभी चैप्टर्स पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण मैंने आप मान लो क्वेश्चन बनाया, पर्यावरण के घटक कितने हैं, तो आपको आंसर लिखना है थ्री। मैंने दे दिया कि वायुमंडल कौन से पर्यावरण का घटक है, तो आपको लिखना है प्राकृतिक। ओके, इस तरीके से पर्यावरण के घटक कितने हैं बच्चों? तीन। कौन कौन से? मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव पर्यावरण में क्या क्या है? पहले एक व्यक्ति होगा, फिर परिवार बनेगा एक व्यक्ति से, फिर समुदाय बनेगा, फिर धर्म, फिर शैक्षिक, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक। यानी कि इसका पूरा इस तरीके से इसका साइकिल चलता है। ओके, इस तरीके से इसका चक्र चलता है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से होते हैं? जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, चार हैं। ओके, मानव निर्मित में बच्चों कौन सा होता है? जो मानव के द्वारा निर्मित यानी बनाए गए हैं, वो सब इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, ऐसा में पर्यावरण के घटक कौन कौन से, किस किस तरीके से हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। जीवीय परिस्थितियाँ देखो, जीवियाँ होती हैं जो लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो सब जैसे सजीव प्राणियों का संसार। अजीवीय में जो नॉन लिविंग है उनका संसार। ओके, समझ में आया? आपको डेफिनेशन याद करनी है पर्यावरण की। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पर्यावरण। एक यहाँ पे देखिए शब्द उत्पत्ति है, मैंने आपको पहले बताया पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अब मैंने मान लो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया कि एनवायरोनेर शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए क्या है, क्या है? पड़ोस। ठीक है, इस तरीके से बीच बीच में से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों आपके। प्राकृतिक पर्यावरण डेफिनेशन याद करनी है आपको प्राकृतिक पर्यावरण की। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मैं क्वेश्चन इस तरीके से डालूंगी, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर कौन सा पर्यावरण बनाते हैं? मानव निर्मित, मानव, प्राकृतिक। आपको क्या बताना है? प्राकृतिक पर्यावरण। ओके, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले परिचित होंगे। आइए अब उनके संबंध को जो तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। किसे कहते हैं? स्थलमंडल। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थलमंडल। यह चट्टानों, खनिजों से बना है। यह मिट्टी की पतली परतों से ढका है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि या मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि हमें खनिज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जल के क्षेत्र को, अभी तो स्थलमंडल के बारे में पढ़ा हमने, यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण में हमने चार पढ़े थे, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। ठीक है, जल के क्षेत्र को जलमंडल, देखो यहाँ पे समझाया गया पूरा, जलमंडल ये रहा, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। जैवमंडल जो है वो सबका सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, जैवमंडल में वायुमंडल भी आता है, स्थलमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है। ठीक है, तीनों आते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ये आपको सभी को पता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल के बारे में ठीक है आपको याद करना है। यहाँ पे आपका पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में दूसरे तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक है, ये क्या है? पारितंत्र किसे कहते हैं?
इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका आता है वस्तु विनिमय पद्धति को याद करना है आपको। एक आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन याद करना है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, फिर यहाँ पे वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं ये याद करना है। वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मानवीय पर्यावरण। हमने भी क्या पढ़ा, प्राकृतिक पर्यावरण, अब पढ़ते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बड़ी, मानव पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। यानी इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण में ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये सभी क्वेश्चंस लर्न करने हैं बच्चों, सारे मैंने आपको कराए हुए हैं कॉपी में। ओके, और मिड ऑफ द चैप्टर भी आपको क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कराएं वो भी लर्न करने हैं, और मिड ऑफ द चैप्टर भी आपको चैप्टर रीड करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।